alaikum students. How are you? I hope you all will be fine at your homes. This is our English class and today we discuss about how to use this or that. But first of all mention the date and day and today's day is Thursday. Today we start topic number 6 and use of this. ट आज हमने पढ़ना है कि दिस और दैट को किस तरह यूज़ किया जाता है वी यूज़ दिस टू आ सिंगल पर्सन प्लेस एनिमल और आ थिंक विच इज नियर टू अस हम दिस उसके लिए यूज़ करते हैं कि जो चीज हमारे करीब होती है चाहे वो कोई पर्सन प्लेस थिंक या एनिमल हो ओके वी यूज़ दैट टू शो आ सिंगल पर्सन प्लेस एनीमल विच इज़ फा अवे फ्राम अस हम दैट उसके लिए यूज़ करते हैं जो चीज़ हमारे से दूर होती है जैसे कोई टेबल कोई पर्सन कोई एनिमल कोई भी चीज़ जो हमारे से दूर होगी उसके लिए हम हमेशा दैट यूज़ करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज माई पेंसिल ये मेरी पेंसिल है यू सी दैट पेंसिल इज नियर टू अस सो यू राइट दिस ओके नेक्स्ट वन इज दैट इज माई डेस्क यू सी दैट डेस्क इज़ फार अवे फ्रॉम अस डेस्क जो है वो हमारे से दूर है दैट सो आई वी राइट दैट ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस दैट वो कह रहे हैं कि ब्लैंक्स को फिल करें यूजिंग दिस दैट के जरिए एंड नंबर वन इज दिस इज माई इरेजर यू सी इरेजर इज नियर बिट नियर अस यानि कि इरेजर जो है वो हमारे करीब है तो इसलिए हमने इसके साथ राइट किया है दिस एंड नेक्स्ट वन इज डैश इज माई शार्पनर यू सी शार्पनर जो है वो हमारे से काफी दूर है दैर आई राइट दैट नेक्स्ट वन इज इज माई रूलर रूलर देखे हमारे से काफी दूर है आई राइट दैट इज रूलर ओके नंबर फोर इज डैश इज माई बुक यू सी बुक इज नियर टू अस सो वी राइट दिस ओके नाउ वी स्टार्ट पेज नंबर टेन बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंशन द डेट एंड राइट डे टूडेज डे इज थर्सडे राइट कंप्लीट सेंटेंसिस वो कह रहे हैं कि आपने सेंटेंसिस को कम्प्लीट राइट करना है एंडरस्टैंड फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज आ की हमारे करीब है दैट्स वाई वी राइट दिस इज आ की नेक्स्ट वन इज दिस इज आ डॉल डॉल भी हमारे करीब है दैट्स वाई वी राइट दिस नेक्स्ट है दिस इज आट बोट हमारे करीब है दैट्स वाई वी राइट दिस नेक्स्ट इज दिस इज आ कार भी हमारे करीब है दैट्स वाई आई राइट दिस नेक्स्ट वन इज दिस इज एन अम्बरेला अम्ब्रेला यानी ये एक अम्ब्रेला है अम्ब्रेला भी हमारे करीब है इसलिए हमने इसके साथ दिस का यूज किया है ओके नेक्स्ट लाइन इज दैट नेक्स्ट जो हमारी लाइन है वो दैट की है दैट इज अ बॉल बॉल देखिए हमारे से काफी दूर है दैट्स वाई वी राइट दैट नेक्स्ट वन इज दैट इज अ टेबल टेबल देखें हमारे से काफी दूर है इसलिए हमने उसके लिए दैट यूज़ किया है नेक्स्ट वन इज

जो चीज़ें हमारे करीब होती हैं उसके लिए हम दिस राइट करते हैं और जो चीज़ें हमारे से दूर होती हैं उनके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं नाउ यू ऑल नो वेर वी राइट दिस एंड वेर वी राइट दैट अंडरस्टैंड की प्रैक्टिस एट होम थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़